जी हाँ मेरे दोस्त, आपने जैसा कि देखा, टीम इंडिया ने T20 सीरीज जिम्बाब्वे से 3 में से 4 जीत लिया, 5 में से 4 जीत हासिल कर लिया, जो कि लगातार 4 जीत हासिल कर लिया, जो कि सुमन गिल की कप्तानी में। और यहाँ पर काफ़ी लाजवाब और हैरान कर देने वाली बात है। आप भी क्रिकेट का वीडियो देखना चाहते हैं और आप भी क्रिकेट का फैंस हो तो तरह तरह वीडियो देखना चाहते हैं और नया कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जी हमारे दोस्त, आपने सही सुना, वही हम बात करेंगे कि क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट का टीम इंडिया ने 4-1 से जीत हासिल कर लिया T20 सीरीज आखिर मैच तक, जिम्बाब्वे को हरा दिया, जो कि संजू की 50 और मुकेश और शिवम की शानदार गेंदबाजी काफ़ी लाजवाब और हैरान कर देने वाली बात है। जो कि टीम इंडिया ने रविवार को हरारे के मैदान पर खेले गए T20 पांचवें मुकाबला, जो कि जिम्बाब्वे को हरा दिया, जो कि 7-5 मैचों की T20 सीरीज जो कि 4-1 से जीत हासिल कर लिया, जो कि 5वें जिम्बाब्वे ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि भारत ने बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सिकंदर रजा का फैसला पावर प्ले तक सही साबित हुआ, जो कि पावर प्ले में दून इंडिया की कप्तान सुमन गिल, ओपनर SSV जयसवाल, अभिषेक शर्मा के विकेट खो दिए थे। स्कोर था 46 रन, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। वही हम बात करेंगे, इसके बाद संजू सैमसन की 50 लगाई और रियान पराग के साथ 65 रनों की साझेदारी हुआ। वही हम बात करेंगे, शिवम दुबे ने भी डेथ ओवर्स में जो कि छक्के चौके लगाकर, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। वही हम बात करेंगे, 167 रन तक पहुंचाया। वही हम बात करेंगे, जब रन चेंज करने के लिए 168 रन जिम्बाब्वे और मुकेश कुमार और शिवम दुबे ने परेशानी में डाल दिया, जो कि वही हम बात करेंगे। मुकेश ने पावर प्ले में दो और 19वें ओवर में 2 विकेट लिया, जो कि शिवम दुबे का मिडिल ओवर में फिर काफियत गेंदबाजी की और उन्होंने विकेट के लिए जिम्बाब्वे को 18.3 ओवर में ही 125 रन पर ऑल आउट हो गई, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी की, काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है, जो कि टीम इंडिया ने 4-1 से यह मुकाबला जीत लिया, जो कि यहाँ पर जिस तरह से मैन ऑफ द मैच बने शिवम दुबे, वही हम बात करेंगे। भले ही इनका आज चारा ना चला हो हमारे ओपनर्स टीम इंडिया के ऊपर, यहाँ पर 4-1 से टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है, जो कि सीरीज भी जीत ली 4-1 से। जी हाँ दोस्त, चलते हैं, इसी तरह का मेरा वीडियो है तो मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा, देखना ना भूलिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।